नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि 20 साल में 80,000% का रिटर्न दिया है। मतलब आपको हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एक इन्वेस्टमेंट आपको रिच बना सकता है। जैसे आप आते हैं तो आपको बहुत सारे लोभ देंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल्स भी मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे ट्रेडिंग कीजिए और लाखों रुपया रोज का कमाइए। अगर दोस्तों लाखों रुपया रोज कमाया जा सकता था तो हम लोग भी डेली रोज का ट्रेडिंग करते और लाखों रुपया कमाते। हम भी ट्रेडिंग जो है पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, पिछले 3 साल से हम ट्रेडिंग किए हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आप जो है कभी भी एक ह्यूज अमाउंट नहीं बना सकते हैं। ट्रेडिंग से अर्न करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का ट्रेडर बनना पड़ेगा, तभी आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक ट्रेडर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसलिए पहले आप इन्वेस्टमेंट को सीखिए, इन्वेस्टमेंट के बारीकियों को सीखिए। तो ये हमारा एक वीडियो जो है मोटिवेशनल होगा कि कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपका 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी आपको कई लाखों रुपया रिटर्न के रूप में कमा के दे सकता है। तो हम एक ऐसे ही शेयर को एग्जाम्पल के रूप में इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि सीमेंट सेक्टर से है। हमने IT सेक्टर के शेयर के बारे में पहले भी बताया कि वो आपके 1,000 रुपयों को करोड़ों में कन्वर्ट कर चुका है। लेकिन हम आज के फिलहाल के टाइम में जैसे 2020 में आप इसमें इन्वेस्ट करते तो अभी आपका रुपया 1,000 रुपया जो है अभी कई लाखों में होता। तो ऐसे ही शेयर के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है जिसे देखकर आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं। तो जाइए वीडियोज को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम इस शेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके रिटर्न को दिखाते हैं कि ये किस प्रकार रिटर्न दिया है। तो देखते हैं ये हमारा अभी जो शेयर है इसका करंट प्राइस है 19,850 रुपीज़। 19,850 रुपीज़ ये हमारा सीमेंट सेक्टर का शेयर है। और इसका हम रिटर्न देखते हैं 5 डेज का, तो कुछ खास नहीं है। चलिए 1 मंथ का रिटर्न देखते हैं, 1 मंथ में भी फ्लैट रहा है। 6 मंथ का रिटर्न देखेंगे बहुत ही डाउन है। ये टिल डेट का रिटर्न देखते हैं तो देख सकते हैं इसमें भी ये डाउन है, मतलब करेक्शन आया है। अभी जो पैंडमिक सिचुएशन उसके कारण हर शेयर में करेक्शन आया है। 1 ईयर में देखिएगा 1 ईयर में भी लगभग फ्लैट रहा है। उसके बाद 5 ईयर्स में देखिएगा तो देख सकते हैं 5 ईयर्स में कितना बेहतरीन रिटर्न है। 5 ईयर्स में 121% का रिटर्न। अब हम आपको दिखाते हैं मैक्सिमम ईयर में, देख सकते हैं 5 ईयर्स में आपने देखा मात्र 121% का रिटर्न था। लेकिन मैक्सिमम ईयर में देखिए ये स्टॉक्स कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ से देखते हैं 2001 से, चलिए देखते हैं 2020 तक ये कितना परसेंट रिटर्न दे चुका है। 2020 इस साल तक में ये 82,138% का रिटर्न दे चुका है। मतलब अगर आप 1,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट किए होते तो अभी वो आपका 8,20,000 रुपया होता, 8,20,000 रुपया होता आपका 1,000 रुपया। समझ सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न मिलता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इसलिए हम आपको हमेशा वीडियो में इंक्रेज करते हैं कि एक इन्वेस्टर बनिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। और जो है आपको साथ साथ रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड भी मिलता है। देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड है इसका 0.64%। मतलब इसके प्राइस का जो ये देख सकते हैं 20,000 के आसपास प्राइस है उसका इतना परसेंट, तो डिविडेंड भी आपको बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलता है। समझ सकते हैं जब ये आप इसमें इन्वेस्ट करते तो उस समय ये मात्र 30 रुपीज़ का शेयर था, अभी ये 20,000 का शेयर बन चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न ये दिया है, साथ ही साथ आपको ह्यूज डिविडेंड भी मिलता है। तो डिविडेंड के रूप में भी आप रिटर्न पाते हैं और जो इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न है वो अलग से पाते हैं। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन शेयर आपको अगर मिल जाए तो उसमें इन्वेस्टेड रहिए एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर बीच बीच में अगर हाई प्राइस पे जाता है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं उसमें। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब बनते हैं तो आपको एक ह्यूज रिटर्न मिलता है, साथ साथ डिविडेंड के रूप में रिटर्न मिलता है। तो इसलिए हम आपको हमेशा इंक्रेज करते हैं कि एक इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं 30 डेज, तो ऐसा कभी नहीं होगा आप 30 डेज प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। कभी आपका ट्रेड गलत दिशा में चला गया तो आपको उस दिन लॉस भी होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाएगा। स्टॉप लॉस जैसे हिट होता है तो आपका जो है लॉस भी बुक होगा। तो वैसे में आपने जो प्रॉफिट किया उसमें लॉस को फिर माइनस कीजिए तो आपके पास कितना बनता है। अगर आप 30 डेज ट्रेडिंग
करते हैं, मान लेते हैं उसमें आप 20 डेज प्रॉफिट करते हैं और 10 डेज लॉस करते हैं, तो फिर 10 डेज का जो लॉस होगा उसमें माइनस कीजिए, था समझ सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट होगा। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी आप मार्केट में सिनेरियो देख सकते हैं 50% डिस्काउंट पर आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। 50% डिस्काउंट पर जब इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ वो शेयर अपना प्राइस रिकवर कर लेता है, तो आपको 100% रिटर्न हो गया। डिस्काउंट 50% का मिल रहा है, आपको रिटर्न मिलेगा जब प्राइस रिकवर होगा तो 100% का। तो समझ सकते हैं इतने बेहतरीन मौके मिले हैं अभी इन्वेस्टमेंट के। ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत दिनों में एक बार आते हैं, तो इसलिए आप अभी इन्वेस्ट कीजिए। जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो ब्लू चिप कंपनी है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देगा। तो इसलिए कह रहे इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं भी 2017 से ही ट्रेड करता हूँ, बीच बीच में मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन कुछ खास ट्रेडिंग से अभी तक अर्न नहीं किया। लेकिन इन्वेस्टमेंट से जो हमारे अभी भी स्टॉक्स है, इतने गिरावट में भी बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, अगर हम प्रॉफिट बुक करना चाहें उसमें अभी भी हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रिस्पेक्ट में, मतलब जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसके रिस्पेक्ट में अच्छा प्रॉफिट वो हमारा अभी भी शेयर दे रहा है। इसलिए हम आपको हमेशा वीडियो में इंक्रेज करते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए। चलिए हम इस शेयर के बारे में बात करते हैं। तो ये शेयर आपने देख लिया कि इतना ह्यूज का रिटर्न दिया है, तो इस शेयर का नाम भी आप गस कर लिए होंगे। ये शेयर हमारा है निफ्टी 50 का शेयर श्री सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों श्री सीमेंट देख सकते हैं कि अभी तक में इन्वेस्टर को मात्र, अगर आप 2001 ईस्वी में, मतलब अभी 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट किए रहते, तो आपको 82,000% का रिटर्न इसमें मिलता। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न, और उसके बाद डिविडेंड अलग से। तो चलिए हम इस शेयर के बारे में आगे बात करते हैं। अगर आप इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किस प्राइस पे इसमें बाइंग करनी चाहिए, कौन से लेवल पे बाइंग करना चाहिए, क्या इसमें आपका मतलब आगे का स्ट्रेटेजी होना चाहिए बाइंग करने का, इन्वेस्ट करने का। तो चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही एक मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पर हमने लगाया है 20 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज, और 200 डे का मूविंग एवरेज, और 100 डे का मूविंग एवरेज। तो जो हमारा ये प्राइस है, देख सकते हैं अभी 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज प्राइस से नीचे है, लेकिन जो हमारा ये प्राइस है वो 20 डे के मूविंग एवरेज और 50 डे के मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पर आपने प्राइस देखा कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो हमारा 100 डे और 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर 20 डे का मूविंग एवरेज है 18,989 रुपीज़, और 50 डे का मूविंग एवरेज है 19,346 रुपीज़, 100 डे का मूविंग एवरेज है 20,000 रुपीज़, और 200 डे का मूविंग एवरेज है 20,046 रुपीज़। अभी जो उसका करेंट प्राइस है वो है 19,910 रुपीज़, मतलब 20,000 के आसपास है। तो इतना बेहतरीन जो है हमारा ये रिटर्न देने के बाद, अभी आप इसमें करेक्शन का वेट करें, अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी जो मार्केट का सीनेरी है उसके अनुसार इसमें बहुत ही कम करेक्शन आया है, क्योंकि इसका करेक्शन नहीं आने का कारण है। चलिए हम उस पर आपको ले जाएंगे। तो अभी आप इसका RSI पहले देख लीजिए, RSI हमारा है 57 के आसपास, तो RSI भी अभी नॉर्मल है, न तो आपको बाइंग का सिग्नल दे रहा है, न तो सेलिंग करने का सिग्नल दे रहा है, तो RSI भी अभी नॉर्मल है। और ये जो प्राइस है हमारा, इस पर करेक्शन का वेट करें, क्योंकि अपने 200 डे और 100 डे के मूविंग एवरेज के आसपास है, और 50 डे के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है, 20 डे के मूविंग एवरेज से कुछ ज़्यादा ऊपर है। तो इसमें अभी आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करेक्शन आना अभी बाकी है, या हो सकता है जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो आपको करेक्शन देखने ना भी मिले, अगर मार्केट हमारा रिकवर कर जाता है, मतलब मार्केट में अगर गिरावट नहीं आती है तो आपको जो है इसमें करेक्शन देखने नहीं भी मिल सकता है। ये सबसे हमारा डिपेंड करता है मार्केट के डायरेक्शन पर, हमारा मार्केट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। तो चलिए हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं, आपको बैलेंस शीट दिखा देते हैं, फिर इसके हम जो अभी प्रॉफिट है किस तरह का है, इसका सेल्स किस तरह का है, मतलब कंपनियाँ किस तरह से ग्रो कर रही है, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे।
तो यहाँ से देख सकते हैं टोटल डेप्थ कंपनी के पास है 2,347 करोड़ और ये डेप्थ लगातार कम हो रहा है। ये हमारा क्वार्टर जो है मार्च क्वार्टर 2020 का नेट डेप्थ हमारे यहाँ पर अपडेट हो चुका है, तो जिसने नेट डेप्थ में भी लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस कितना है 108 करोड़ है। तो कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास ठीक ठाक है, जो कि बहुत ही डिक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना में। उसके बाद बुक वैल्यू देख सकते हैं, बुक वैल्यू में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 3,585 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल को देख लेते हैं, कंपनी किस प्रकार ग्रो हो रही है, कंपनी का प्रॉफिट सेल्स किस प्रकार ग्रो हो रही है। यहाँ पर देखते हैं सेल्स, कंपनी का सेल 3,415 करोड़ जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी अधिक है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये हमारा फ्लैट रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस को इंक्रीज नहीं हुआ है। वहीं प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखते हैं प्रॉफिट 536 करोड़ पिछले क्वार्टर के कंपेयर में काफ़ी अधिक है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बात करेंगे तो काफ़ी अधिक है। तो समझ सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है जिससे हमें मुख्य रूप से मतलब होता है, मतलब जो कंपनियों के जो प्रॉफिट होता है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। इसीलिए समझ सकते हैं इसके प्राइस में बहुत ही कम करेक्शन देखने आपको मिला है। तो चलिए अब हम वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी हमारा किस वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यूएशन कंपनी का, जो मार्केट कैप है हमारा 71,000 है, एक लार्ज कैप है, निफ्टी 50 का स्टॉक्स है, पी रेशियो 45.75 समझ सकते हैं। इंडस्ट्री के पी से देख सकते हैं सीधे 2x है, तो बहुत ही महंगा स्टॉक्स है। लेकिन जब भी आप अच्छे स्टॉक्स बाय करेंगे तो वो आपको महंगे ही मिलेंगे, मतलब वो हमारा जो इंट्रेंसिक वैल्यू उससे ज़्यादा प्राइस पे ही आपको बाय करना पड़ेगा वैसे स्टॉक्स को। तो समझ सकते हैं ये स्टॉक्स देख सकते हैं जो इसका पी है काफ़ी हाई है। उसके बाद यहाँ पर डिविडेंड देख सकते हैं, डिविडेंड भी शानदार है, मतलब 1100% का डिविडेंड, मतलब 110 रुपीज़ डिविडेंड देता है। समझ सकते हैं अगर 2001 में आप 30 रुपीज़ में ये स्टॉक खरीदे होते 30 रुपीज़ में, तो अभी आपको 110 रुपीज़ एक स्टॉक पे डिविडेंड ही मिला होता, मतलब जिस प्राइस पे आप बाय करते उससे 3x से ज़्यादा डिविडेंड आपको अर्न होता, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 है, देख सकते हैं इसका 1100% निकालिएगा 110 रुपीज़ आएगा, तो 110 रुपया हर साल आपको डिविडेंड ये कंपनी देती है। उसके बाद आप यहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी शानदार है, 5.55 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, मतलब 5 रुपया 1 रुपया बुक वैल्यू के लिए इन्वेस्टर देने के लिए तैयार है। तो समझ सकते हैं कितना शानदार ये स्टॉक्स है। तो ऐसे ही स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लोग हमेशा ट्रेडिंग के पीछे भागते हैं क्योंकि लोग जल्द से जल्द कमाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आज स्टॉक मार्केट में आए हैं आज से ही कमाना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में कभी भी आप स्टॉक मार्केट से अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, अच्छा वेल्थ वही क्रिएट किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। जैसे आप वॉरेन बफेट ले लें, हमारे यहाँ के राकेश झुनझुनवाला जी ले लें, रामदेव अग्रवाल जी ले लें, राधा किशन दमानी ले लें, जो भी आप प्रंजु विलियात ले लें, जो भी आप अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट के सक्सेसफुल आदमी के बारे में सुनेंगे तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, और जो भी स्टॉक्स अभी आपको क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे मिल रहे हैं, तो वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ इससे सीखने मिला होगा कि स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।